मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़ा बयान, और इसी बयान का इंतजार था सभी लोगों को कि वो साफ करें कि वो क्या करने वाले हैं, और वो कह रहे हैं 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। मेरे पास कई भाजपा नेताओं के फोन आ रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा। यूपी सरकार ने पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची है। जो कुछ कहा उन्होंने आपको दिखाते हैं। 14 जनवरी को कितने लोग, मंत्री, विधायक, नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग खिटकेंगे तो नहीं, जो आपसे वादा किए आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूँ न आज कर रहा हूँ, जो आएगा स्वागत। देखिए, अब मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा देने के बाद अब किसी भी बड़े या छोटे नेता का टेलीफोन मैं रिसीव नहीं करता। राजनीति में हर नेता अपने तौर तरीके से निर्णय लेता है। बयान देख लिया आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का। 14 जनवरी वो तारीख है जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बड़ी खबर, और समाजवादी पार्टी की बात हो रही है तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से हमारे पास है। सपा दफ्तर में अखिलेश यादव इंटरव्यू ले रहे हैं टिकट के लिए अप्लाई करने वाले नेताओं का। जी हाँ, जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट लेने के इच्छुक लोग हैं, उन सभी का इंटरव्यू ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अखिलेश यादव। सहयोगी दलों के साथ पार्टी दफ्तर में मुलाकात भी होगी, और अखिलेश ने सहयोगी दलों को मुलाकात के लिए बुलाया है। तो अखिलेश यादव सक्रिय हैं, कल भी वो दफ्तर पर गए थे। आज जो लोग भी टिकट के इच्छुक हैं, जो टिकट चाहते हैं, उन सब का इंटरव्यू ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अखिलेश यादव, और सहयोगी दलों के नेताओं को भी उन्होंने बुलाया है। उनके साथ भी आज सपा दफ्तर पर मुलाकात होगी अखिलेश यादव की। तो 22 के टिकट बंटवारे को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण, जो टिकट चाहते हैं समाजवादी पार्टी का, उन सबका इंटरव्यू ले रहे हैं अखिलेश यादव। बड़ी खबर, विवेक त्रिपाठी इस वक्त समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त सपा दफ्तर पर। विवेक, कितने टिकटार्थी पहुंचे हैं और किस क्षेत्र के पहुंचे हैं जिनका अखिलेश इंटरव्यू ले रहे हैं, और अगर आपके पास जानकारी हो तो ये भी बताएं कि इंटरव्यू में अखिलेश पूछ क्या रहे हैं इनसे। देखिए राजेन, कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई थी, कल करीब 10:45 बजे शुरू हुई, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो प्रथम चरण का चुनाव है 10 फरवरी को होना है, उसकी 15 जनपद की 73 सीटों के लिए ये टिकट की जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। और आज ये माना जा रहा है कि चूंकि कल देर शाम तक ये बैठक चली है, कल घटनाक्रम राजनीतिक भी बहुत बड़े उलटफेर हो गए थे, परिवर्तन हो गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद तमाम राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गए थे, तो जो बैठक थी उसमें जो आगे रणनीति तय होनी थी उसका आज सेकंड पार्ट, यानी आज दूसरा दिन, कल की अधूरी बैठक का या अधूरे निर्णय का वो आज पूरा चरण होना है। और इसके अलावा दूसरे चरण की 11 जो सीटें हैं, जनपद हैं, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र की, लखीमपुर जिसमें शामिल है। लखीमपुर में मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि लखीमपुर एक बड़ा फैक्टर होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर वहाँ से इस मुद्दे को लेकर नुकसान पहुँच रहा है तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को कैश कराने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर जो 11 जनपद हैं उनकी 63 सीटों के लिए आज भी यहाँ पर कई उम्मीदवार, कई दावेदार आए हैं, तो कुल मिला के 140 सीटों के आसपास जो सभी 24-25 जनपद हैं उनकी 126 जनपद की 140 सीटों पे यहाँ पर टिकटों की बात चल रही है। दावेदार हालांकि इन 140 विधानसभा क्षेत्रों के नहीं है, पूरे प्रदेश भर के दावेदार हैं। अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड से भी यहाँ पर लोग आए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं, काशी से भी लोग आए हैं, अवध क्षेत्र के तो मौजूद ही हैं चूँकि अवध क्षेत्र लखनऊ यहाँ पर मुख्यालय है समाजवादी पार्टी का, तो बहुत सारे जो अन्य जनपदों के लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। और अंदर सुबह जो बैठक शुरू हुई थी अखिलेश यादव करीब 11:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको थोड़ा सा विलंब इसलिए हो गया था क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव उनके घर मुलाकात करने चले गए थे, वहाँ मुलाकात हुई करीब 15 घंटे की मुलाकात हुई। उसके बाद अखिलेश यादव
सीधे यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ बैठक शुरू की है। जो स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य हैं, रामगोपाल यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल वो पहले से मौजूद थे, उनके साथ यहाँ पर बैठक शुरू हुई है। इंटरव्यू की प्रक्रिया भी चल रही है, चूँकि कल सूत्रों का कहना था कि 40 सीटों पर सहमति बनी है, यानी प्रथम चरण का जो चुनाव होना है 15 जनपदों का 73 सीटों के लिए, उसकी 40 सीटों पर यहाँ सहमति बनी है, लेकिन वो अभी फाइनल नहीं है। 40 सीटों में अभी शॉर्टलिस्ट होने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस पार्ट का पहला चुनाव हो रहा है वहाँ जयंत का प्रभाव है, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन भी है, उनको कितनी सीटें दी जाएंगी वो 35 सीटें के आसपास मांग रहे हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है कि जयंत ने 35 सीटों की डिमांड रखी है। अब उसमें से कौन सी सीट अपनी समाजवादी पार्टी जयंत को देगी, कौन सी सीट उनकी जो जयंत की सीट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है या अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है, या कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग वहाँ पर शामिल हो रहे हैं, छोटे छोटे गठबंधन के दल वहाँ प्रभावी हो रहे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी विवेक एक बार फिर से स्पष्ट करिए, क्या 40 सीटों पर सहमति बनी है राष्ट्रीय लोकदल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये वो 40 सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होना है, स्पष्ट करें इसको। देखिए राजे ने 40 सीटें प्रथम चरण के लिए जो दावेदार आए थे उनके नाम पर, आपको बता दें 300 से ज़्यादा दावेदार कल यहाँ पर मौजूद थे, 300 से ज़्यादा आवेदन यानी बायोडाटा समाजवादी पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी को दिए गए थे। 300 यानी जो 15 जनपद की 73 सीटों के लिए चुनाव होना है प्रथम चरण में, उसके लिए 300 दावेदार आए थे। 300 दावेदार में जयंत की अपनी टीम थी और समाजवादी पार्टी की अपनी टीम थी, चूँकि गठबंधन वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत से हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल से हुआ है, उसमें से 40 सीटों यानी 73 सीटों के लिए 300 दावेदार थे, तो 40 सीटों पे निष्कर्ष निकला है, फैसला हुआ है, लेकिन वो अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है। उसमें ये बता रहे हैं कि उन 40 सीटों में कई जयंत की भी हैं, लेकिन जयंत 35 सीटों से ज़्यादा मांग रहे हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है कि 35 सीटों से ज़्यादा चाहिए, तो अभी ये सहमति नहीं बन पाई है। गठबंधन में हमेशा यही होता है कि कौन कितनी सीटें लेगा, किसकी कितनी डिमांड है, किसका ज़्यादा प्रभाव है, कौन ज़्यादा अपना अपने जो हिस्सा है वो ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकता है, ले सकता है, मांग सकता है, लड़ सकता है, यही चीज़ें अंदर चल रही हैं। बहुत सारे जो लोकदल के यहाँ पर तमाम पदाधिकारी भी मौजूद है, ऐसा सूत्रों का कहना है वो है, और अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश चल रही है। वो 40 सीटों में जयंत के हिस्से की भी सीट है, समाजवादी पार्टी की अपनी सीटें भी हैं, लेकिन उसमें से भी शॉर्टलिस्ट होना है, वो भी फाइनल नहीं है। आज दूसरे चरण का जो चुनाव होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र का, उसके लिए भी जो 63 सीटें हैं वहाँ पर, उसमें फैसला निकलेगा कि आज उन 63 सीटों के कितने आवेदन आए हैं। कल तो 300 आवेदन आए थे, आज कितने आएंगे ये अभी थोड़ी देर में सूत्र बताएंगे हमारे, तब हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे कि आज कितने आवेदन आए। तो 40 सीटों में ऐसा नहीं है कि केवल समाजवादी पार्टी की हो, वो जयंत के हिस्से की भी हैं। अब उसमें तय ये होना है कि जयंत क्या उससे मुतमईन हैं या नहीं हैं, वो सहमत हैं या नहीं है, उनको कितनी सीट दी जा रही है। आप कह रहे हैं कि कल 40 सीटों पर सहमति बनी कि किन्हें टिकट देना है, और उनमें उन 40 सीटों में से कई राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से की भी सीटें हैं, और अभी ये बात तय होनी है कि जो तय हुआ है अखिलेश यादव के साथ कल बैठक में, उसमें क्या जयंत चौधरी की भी सहमति है या नहीं है। ठीक है विवेक, आप नजर बना के रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे और हमारी नजर है इस खबर पर।